बरसाना के इस वन में आज भी सुनाई देती है। राधा रानी की पायल की झनकार खुद बसाया था विश्वान दुलारी ने, प्रिंट गरावन के वास को आस करे शिव से, ताकि महिमा को कहे जहाँ कृष्ण धरे सखी वे। राधा रानी का सबसे प्रिय बरसाना का गहवन वन, जिसे खुद उन्होंने अपने हाथों से सजाया सवारा था, लता पताओं से घिरे गहरावन के कुंज वन में आज भी विश्वाम दुलारी के पायलों की झंकार सुनाई देती है। गहरवन निवास करने वाले तमाम संतों ने रात के अंधेरों में पायलों की झंकार की आवाज सुनी है। वैसे तो पूरा ब्रज राधा रानी की लीलाओं को संजोए हुए है, लेकिन बरसाना में उनकी तमाम बाल लीलाओं के निशान आज भी मौजूद है। ब्रह्मचल पर्वत के मध्य स्थित गहरवन जो लताओं पताओं से गिरा है, जिसे राधा रानी ने स्वयं अपने हाथों से सजाया था, इसी वन में राधा रानी ने अपनी सहचरियों के साथ नित्य विहार करती हैं। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने कई बार गहरवन की लताओं पताओं के बीच राधा रानी और उनकी सखियों के साथ रास रचाया था। गहरवन के आसपास तमाम लीला स्थल है, दानगढ़, मोरकुटी, मानगढ़, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी ने अपनी तमाम बाल लीलाएं की थी। आज भी अब बाल लीलाएं बूढ़ी लीला महोत्सव के दौरान जीवंत उठती है। मान मंदिर के सचिव सुनील सिंह बताते हैं कि कई बार संत रमेश बाबा ने रात के अंधेरों में पायलों की झंकार सुनी, लेकिन जब कुटिया से बाहर निकलकर देखा तो कोई भी नजर नहीं आता। वृंदावन के निधिवन, जहाँ आज भी राधा कृष्ण महारास करते हैं, ऐसी मान्यता गहरवन में भी राधा रानी अपनी सचरियों के साथ विचरण करती हैं। गहरवन में साधना करने वाले तमाम संतों रात के अंधेरे में छोटी सी बच्ची की आवाज भी सुनी, लेकिन आज तक कोई उन्हें दिखाई नहीं दिया। आज से 67 साल पहले जब ब्रज के विरक्त संत रमेश बाबा गहरवन में आए थे, तो यह एक निर्जन वन था जहाँ डकैतों का अड्डा हुआ करता था। ब्रज के विरक्त संत रमेश बाबा ने बताया कि गहरवन में कभी जहान डकैत उनके साथियों का अड्डा था। उन्होंने भी कई बार गहरवन में पायलों की झंकार सुनी थी, जिसके बाद वो संत बन गए और राधा रानी की कृपा से सांसारिक मोह का परित्याग कर दिया। गहरवन एक पौराणिक स्थल है जहाँ राधा रानी अपनी सखियों के साथ विचरण करती है। आज भी विश्वान नंदिनी गहरवन की लताओं पताओं में विचरण करती है। उनकी पायलों की झंकार हमने कई बार सुनी है, यहाँ तक कि रात के अंधेरों में एक छोटी सी बच्ची की आवाज भी सुनी है, लेकिन बाहर निकले तो देखा कोई भी नहीं है। गोवर्धन पर्वत की तरह बरसाना के गहरवन की भी परिक्रमा लगाई जाती है। परिक्रमा लगभग 4 किलोमीटर की होती है। उक्त परिक्रमा में ब्रह्मचल पर्वत के चारों शिखरों दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़, बिलासगढ़ के दर्शन होते हैं। कहावत है कि गोवर्धन की 7 परिक्रमा और गौरन की 1 परिक्रमा का बराबर महत्व माना जाता है। मान्यता है कि ब्रह्मचल पर्वत ब्रह्मा जी का ही स्वरूप है। पर्वत के चारों गढ़ ब्रह्मा जी के मुख व गौरवन वक्षस्थल है।